So, welcome to all of you, and today we are going to discuss haloalkanes, okay? Haloalanes, alcohol, phenols, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid, and amines, okay? So, these are topics we will cover in this lecture. This lecture is in half hour, we will complete this, okay? And it is related to the my lecture, one sort organic chemistry, okay? So, in this lecture, first of all, we will discuss the haloalkanes and haloarenes, okay? So, you should be know about the halo. What is the meaning of halo? Halo means any halogens, okay, attached with alkanes. So, it is called haloalkanes, okay? For example, you can see here, this is the halogen, okay? And it is attached with alkane, okay? So, that's why it is called haloalkanes, okay? And how you can form haloalkanes? First of all, you should take एल्केन, ठीक है, इससे आप अगर एक हाइड्रोजन निकालो, क्लोरीन जोड़ो, तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, इट विल फॉर्म हैलो एल्केन्स, ओके. सिमिलरली आई हैव मेंशन्ड द हैलो एरीन्स, ओके. सो हैलो एरीन्स मीन्स एरीन अटैच्ड विद हैलोजन. सो दिस इज द एरोमेटिक एरीन, ओके. एंड इफ यू रिएक्शन कैरीड आउट विद Cl2, देन इट इज कन्वर्टेड टू हैलो एरीन्स, ओके. हैलोजन में भी आइदर क्लोरो, ओके, इन प्लेस ऑफ क्लोरो, क्लोरो एंड आयोडीन कैन बी हैपन, ओके. नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, ओके. सो एल्किल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? ये करोगे, सपोज जो मैंने लिखा है CH3CH2X, ओके. नेक्स्ट मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया यहाँ पे, और मैंने क्या किया, एक इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है. तो यहाँ पे कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन से. तो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी हैलोजन, ओके, प्राइमरी हैलोजन. नेक्स्ट वन सेकेंडरी है, इसमें देखो सेकेंडरी कार्बन क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन किससे, दो कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको सेकेंडरी हैलोजन कहा गया है, ठीक है. टर्सरी हैलोजन किसको बोलोगे, या टर्सरी हैलाइड, सॉरी फॉर दैट, दिस इज द सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, ओके. टर्सरी हैलाइड की बात करोगे तो यहाँ पे कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, सो इट इज़ कॉल्ड टर्सरी हैलाइड्स, ओके. नेक्स्ट वन यू कैन सी हेयर एलाइलिक हैलाइड्स एंड विनाइलिक हैलाइड्स, ओके. सो एलाइलिक हैलाइड्स मीन्स दिस इज द this is the alkene, okay. And if you reaction carried out with halogen, okay, X, okay, it may be chloro, bromo, and iodo, okay. So what happened here? It is converted to X, means X will be attached from this, and this moiety is called allylic, okay. You should be understand, you very carefully, you should understand, this is called three carbon containing alkene attached with X is called allylic halogen, okay. नेक्स्ट वन इज विनाइलिक, ओके. विनाइलिक मीन्स एनी एल्कीन, ओके, दिस इज द इथीन. इफ वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय एक्स एनी हैलोजन, इट इज कन्वर्टेड टू विनाइलिक हैलाइड्स, ओके. दिस इज द विनाइलिक मॉइटी एंड दिस इज द हैलाइड, सो इट इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड, ओके. सिमिलरली यू कैन सी बेंजाइलिक हैलाइड, ओके. सो बेंजाइल मॉइटी, इफ दिस इज द बेंजाइल CH2 अटैच्ड विद एरोमेटिक एंड इट इज अटैच्ड टू एक्स, this is called benzylic, this is the halide, so it is called benzylic halide. This is called aryllic halide, okay. This is aryllic moiety and X, so aryllic and halide, okay. So I think you should be understand this topic, okay. Next we will talk about the preparation, how you can prepare. So agar aapko halogen banana hai, if you want to prepare alkyl halides, then you should take alkyl alcohol, okay. This is the methyl alcohol. And if reaction carried out HCl, then it is converted to methyl chloride and H2O, okay. CH3Cl, water यहाँ से एक OH इसका जाएगा, एक S इसका जाएगा, तो यहाँ से आपका water माइटी रिलीज हो जाएगी. सिमिलरली मेथेनॉल की रिएक्शन अगर सोडियम ब्रोमाइड से कराओगे एंड हाइड्रोजन सल्फेट से कराओगे, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके. तो आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा, मीन्स ब्रोमाइड, ओके. ये इट मे बी क्लोरो और आइडो, ओके. एंड सोडियम थायासल्फेट, ओके, NaS सोडियम बाईसल्फेट, सॉरी फॉर द NaSSO4 विल बी रिलीज आउट, NaHSO4 विल बी रिलीज आउट एंड H2O इज रिलीज आउट, ओके. सो इट इज़ द बाई प्रोडक्ट. ये क्या है आपके, ये है बाई प्रोडक्ट, जिनको हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसमें फ्रेगमेंटेशन के दौरान ये आपकी मॉइटी बन जाती है रिएक्शन मीडियम में, ठीक है. नेक्स्ट वन If you want to next one, if you reaction carry out methanol with PCl3, then methyl chloride and H3PO4 will be formed. Okay. Similarly, अगर आप reaction PCl5 से करें, PCl3 से करा रहे हो, क्या बन रहा है, H3PO4. But PCl5 से करा रहे हो तो क्या बनेगा, POCl3 and HCl. It is very important reaction.
एंड आस्क इन सेवन कम्पिटेटिव एग्जाम्स बिकॉज इट इज़ अ PCL 3 एंड PCL 5 पूछेगा बाई प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, दोनों में प्रोडक्ट सेम है, बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे H3PO4 PCl3 में होंगे, PCl5 में क्या होंगे POCl3 एंड HCl, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है PCl5 की जब रिएक्शन कराओगे तो आपके दो बाई प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से POCl3 एंड HCl, ठीक है। सिमिलरली मेथेनॉल की रिएक्शन अगर थायोक्लोराइड से कराओगे तो क्या बनेगा CH3Cl SO2 एंड HCl विल बी बाई प्रोडक्ट्स, ओके। मेथेनॉल की रिएक्शन अगर फास्फोरस हैलोजन से कराओगे तो बनेगा आपका मेथाइल हैलाइड, ओके। तो ये हो गया आपका एल्कोहल से, अब हम बनाते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। तो फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन आप सबने सुना होगा, रेडिकल क्या होता है, इसमें क्या है फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे CH3Cl को अगर ब्रेक करो तो एक दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो हैं फ्री रेडिकल कहलाते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन को बहुत जल्दी मतलब कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में भी। तो इसमें क्या है, दिस इज़ द एल्काइल, ठीक है, दिस इज़ द यू कैन से क्लोरीन, इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट विद क्लोरीन, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा आपका टर्मिनल से अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे, एक 1-2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन, ये स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा और एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। परसेंटेज ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा, ठीक है। और दूसरा है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे H2 क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ठीक है। और ये आपका टालविन है तो यहाँ पे जुड़ेगा आर्थो पोजीशन से और मेटा पोजीशन पैरा पोजीशन से, ये आपका पैरा हैलोटालविन हो जाएगा, ये आपका आर्थो हैलोटालविन हो जाएगा। हमेशा पैरा इज़ मेजर एंड आपका आर्थो इज़ माइनर, ओके। फ्रॉम एल्किन की बात करोगे तो दिस इज़ द एल्किन, एक्स विल बी अटैच फ्रॉम दिस वन एंड कन्वर्टेड टू CH3CH2X, ठीक है। तो ये आपका एल्काइल हैलाइड बन गया। सिमिलरली अगर आप आयोडीन से करोगे तो आयोडीन किससे अटैच हो जाएगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अटैच हो गया। अब फार्म ये आपका रूल कहलाता है, आयोडीन उससे अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक है, या ये ऐसा कह सकते हो ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन से अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा है तो इससे अटैच हो जाएगा, आयोडीन इससे अटैच हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखो कि आयोडीन उस हाइड्रोजन से अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन नंबर कम होंगे, हमेशा एल्कीन माइटी से अटैच होगा। तो ये रूल आपका कहलाता है मार्को निकाप रूल, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं सैंडमायर की, सैंडमायर रिएक्शन क्या होती है। अगर हम डायजोनियम साल्ट से रिएक्शन करा रहे हो एंड डायजोनियम हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हो, ये दिस इज एक्स, ओके, दिस इज N2, ओके। इफ रिएक्शन कैरीड आउट दिस इज द डायजोनियम, ओके, हैलाइड एंड CH2X2, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस वन एंड नाइट्रोजन विल बी रिलीज आउट, ओके। सिमिलर वेज अगर आप रिएक्शन डायजोनियम हैलाइड से एंड आयोडीन से करा रहे हो तो यहाँ पे आयोडीन निकलेगा, आयोडीन बनेगा और नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो सैंडमायर रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है आपकी, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर हम बाई हैलोजन एक्सचेंज की बात करते हैं तो इसमें दो रिएक्शन आती है, फर्स्ट वन इज फ्रैंकलिन रिएक्शन, फिंकलिन स्टेन रिएक्शन एंड दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फिंकलिन स्टेन रिएक्शन क्या होती है, ये होती है, ओके, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें भी आप हम बात करते हैं फिंकलस्टीन की, ठीक है। तो सिंथेसिस आप एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है, रीजेंट मेटेलिक फ्लोराइड्स यूज होते हैं, सिल्वर फ्लोराइड SCX2SOCO कार्बोनिल फ्लोराइड एंड टिन SbF2, ओके। तो अगर मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराओगे, सिल्वर फ्लोराइड से कराओगे तो बनेगा क्या, मिथाइल फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का आपका वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा रिएक्शन मीडियम में, ये स्वार्ट रिएक्शन कहलाती है। फ्रैंकलिन स्टे इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मेटल्स, ओके, यू कैन सी हियर AgBr विल बी फॉर्म CH3F, ओके। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स के, तो तीन टाइप के रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स, ओके। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा किससे अटैच करेगा, इस पे अटैक करेगा तो बनेगा क्या आपका, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन किससे करा रहे हो, यहाँ पे क्लोरीन विल बी रिलीज्ड आउट, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन निकल गया। ऐसा ही मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर OH से कराओगे तो मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा, BR
निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलर आर एक्स की न्यूक्लियोफाइल से होगा तो आर एन यू बनेगा और एक्स माइनस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड होता है रिएक्शन कराने का। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल देखो सी एन माइनस एक एन ओ टू माइनस, ठीक है। सी एन माइनस को आप दो तरीके से लिख सकते हो, इसमें क्या है माइनस, ओके ये एग्जिस्ट करेगा, और इसको एक दूसरी फॉर्म है अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हो दिस वन। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन भी अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ कार्बन की तरह, तो दोनों एक ही रीजन दो तरह से, एक ही न्यूक्लियोफाइल दो तरह से बिहेव कर रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? एक साइड कार्बन की है, एक साइड नाइट्रोजन से अटैक कर रहा है। यहाँ कार्बन से अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा। बट स्पीसीज एक ही स्पीसीज से दो स्पीसीज बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से ड्रा कर दिया। तो यहाँ पे देखो अब इसका इफेक्ट देखो, इसका प्रभाव देखो, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे के सी एन से, तो प्रोडक्ट बना सी एच थ्री सी एन, ठीक है। वही मैंने सब्सट्रेट लिया यहाँ पे सिल्वर साइनाइड से कराया, तो ये बन रहा है सी एच थ्री एन सी, यहाँ पे आइसो साइनाइड बन रहा है, यहाँ पे नाइट्राइल बन रहा है। तो यहाँ पे एक रीजेंट इस तरह से बिहेव कर रहा है, एक रीजेंट इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट उसका अलग अलग बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ओके। तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका सब्सट्रेट है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो ओएस किससे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक कर देगा, क्लोरीन निकाल देगा, तो ये बने। तो ये जो प्रोडक्ट बनना है आपका, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन बना लिया, ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है। दूसरे में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो गया। तो यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है, टू स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और रिएक्टिविटी कहाँ डिपेंड करेगी? कार्बोकैटायन पे। तो कार्बोकैटायन ये ज़्यादा स्टेबल होगा उससे ये, और इससे ये होता है टर्सरी, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन, ये इसको हम बोल सकते हैं एस एन वन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इसमें क्या है? रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ पे रिटेंशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन उसका आर है, तो आर ही रह सकता है, बट आर कभी कभी आर एस में कन्वर्ट हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा आर एन एस टाइप का, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अब देखो हम यहाँ पे क्या है, कैटायन कैसे बनेंगे? अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है सब्सट्रेट, तो उसमें कार्बोकैटायन ये बनेगा, क्लोरीन निकलेगा, तो ये बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि दो कार्बन से अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन सेट है, तो प्राइमरी बोलेंगे, तो इसमें कैटायन क्या बनेगा? ये, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आर्डर आपका ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एस एन टू की, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसको एस एन टू बोलते हैं। और इसमें क्या है, एक ही स्टेप की रिएक्शन होती है, ओ एच आएगा, अटैक करेगा मिथाइल पे, क्लोरीन निकाल देगा, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बट इसमें क्या है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी एल, दिस अनस्टेबल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, देन स्टेबल प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट का है, इसमें एक ऑनली इन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो इन्वर्जन मतलब आर है कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यस में, अगर यस है तो आर में, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ओनली इन्वर्जन टेक्स प्लेस, वन स्टेप रिएक्शन, देख लो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। रिएक्टिविटी अपॉन हिंड्रेंस, ये हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी अपॉन हिंड्रेंस, हिंड्रेंस यहाँ पे देख सकते हो, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, इसका कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल इस कार्बन से अटैच हैं, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, मीन्स क्लोरीन को निकालने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये होता है रिएक्टिविटी अपॉन हिंड्रेंस। बायो मॉलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ, ओके, मीन्स रिएक्ट सब आपका सब्सट्रेट पे भी उसका रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सब्सट्रेट है, दोनों का, दोनों के कंसंट्रेशन पे रेट डिटरमाइन होगा रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख दिया, एस एन वन होती है टू स्टेप रिएक्शन, ये होती है एस एन टू वन स्टेप रिएक्शन। इसमें रिटेंशन इन्वर्जन बोथ टेक्स प्लेस, इंटरमीडिएट फॉर्म, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अनस्टेबिलिटी आल्टर, टर्सरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इन्वर्जन टेक्स प्लेस, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन हिंड्रेंस, बायोमोलिकुलर, एंड प्राइमरी सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी फिर, देन टर्सरी, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, बीटा एलिमिनेशन किसको बोलेंगे? एक कार्बन अटैच है हैलोजन से, उसके जो नियर कार्बन होगा, जो हाइड्रोजन होगा, वो हम बोलते हैं बीटा
ये बीटा कार्बन हो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो हम कैसे इसको निकाल, हैलोजन को हमें निकालना है, एलिमिनेट कराना है, तो ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड बना लेगा और ये हैलोजन निकल जाएगा, ठीक है। इसमें KOH एल्कोहलिक KOH यूज होता है, क्योंकि एल्कोहलिक KOH है तो वाटर भी बनता है, ठीक है। तो इसमें आप देखो यहाँ पर अल्फा, ये आपका अल्फा था, ई एक्स अटैच है, तो यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो यहाँ पर दो प्रॉबलिटी हैं जब OH अटैक, मतलब हाइड्रोजन निकलने की, एक तो ये हाइड्रोजन निकल सकता है, इस तरह से निकाल सकता है, एक ये भी निकाल सकता है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो जो देखो ये कार्बन CH3, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एल्किन दो मिथाइल से सब्स्टिट्यूटेड है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन फॉर्म, इट इज़ स्टेबल एल्कीन, ओके। एंड माइनर, ये माइनर क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन, इसमें दो हाइड्रोजन टर्मिनल पे हैं, तो ये स्टेबल कम होगी, तो ये बनता है आपका 80% रिएक्शन में, ये बनता है 90%, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेटजब रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट, सेटजब रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, और इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन विद मेटल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आपका एल्काइल हैलाइड है, अगर आप मेटल की रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ये ड्राई इथर आपका साल्वेंट तरह बिहेव करेगा, मीडियम प्रोवाइड करेगा रिएक्शन की, फॉर्मिंग द ग्रिग्नार्डिजन, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्डिजन। तो ये क्या है, रिएक्शन विद मेटल, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल से कराओगे तो आपका ग्रिग्नार्डिजन बनेगा। आर इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, Mg पर प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें बहुत सारे रिएक्शन, एक होता है वुड्स रिएक्शन, अगर आप एल्काइल हैलाइड से सोडियम मेटल की कराओगे तो ईथर बनता है, 2NaX के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। आर यहाँ पर मेथाइल ले सकते हो, सोडियम मिथाइल क्लोराइड सोडियम कराओगे तो एल्केन बनेगा और सोडियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो क्लोरीन की अगर OH से कराओगे तो ये क्लोरीन लोन पेयर होते हैं, ये थोड़ा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इससे OH रिप्लेस नहीं कर पाता क्लोरीन को, तो नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो ड्यू टू रिजोनेंस नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगी, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन की वजह से नहीं होगी, ठीक है। अब इसको हमें रिएक्शन कराना ही कराना है तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ध्यान देना पड़ेगा, एच प्लस ऐड करना पड़ेगा, तब ये चेंज हो जाएगी, यहाँ पे बेस भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे से अगर आप NO2 को यहाँ पे ऐड कर रहे हो पैरा पोजीशन पे, तो चांसेज हैं ये क्या है, इसका जो लोन पेयर है खींच लेता है आपकी तरफ, अपनी तरफ, तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है इसका, तो इसमें ये रिएक्शन थोड़ा कम टेम्परेचर पे हो जाती है। आप बेस ऐड करो, 443 केल्विन टेम्परेचर दो, एच प्लस दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, मीन्स OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर अगर आप 2NO2 जोड़ दो तो ये रिएक्शन उससे भी कम टेम्परेचर में चली जाएगी और ये उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा टेम्परेचर का इफेक्ट है, ठीक है। तो NO2 हेयर कैसा बिहेव कर रहा है, विद इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का बिहेव कर रहा है और रिएक्टिविटी आप क्लोरोबेंजीन को बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन की ये रिएक्शन रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये आपका हैलोएलीन है, क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ आयन है, आयन हाइड्रेज FeCl3, दो प्रोडक्ट फॉर्मेंगे पैरा एंड आर्थो, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रेशन में NO2 इससे आपका बनेगा, NO2 रिलीज होगा और फॉर्मेशन ऑफ आर्थो एंड पैरा। इसमें हम कंसनट्रेट H2SO4 भी डालते हैं फॉर रिएक्शन फॉरवर्डिंग, मतलब आगे जल्दी कंप्लीट होने के लिए मैकेनिज्म ही आपका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है H2SO4, ठीक है। सल्फोनेशन में H2SO4 की कराओगे, दो प्रोडक्ट माइनर एंड मेजर बनेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब हेलोरेंज की रिएक्शन कराओगे मिथाइल क्लोराइड्स एंड हाइड्रेट्स AlCl के प्रेजेंस में आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, स्टेबल कौन सा होगा, पैरा होगा, ठीक है। सिमिलर वे से आप यहाँ पे सब्सट्रेट चेंज कर सकते हो, CH3 एसिटाइल क्लोराइड ले सकते हो, तो प्रोडक्ट आपका आर्थो एंड पैरा वही बनेंगे, बट ग्रुप आपका ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका मेन होगा। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल की, फिटिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या है, टू इसमें हमने ले लिया एराइल हैलाइड एंड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉर्मिंग द बाई एराइल ओले एंड NX विल बी रिलीज्ड आउट। एक होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, सेम होता है, बट इसमें क्या है, हम RX और लेते हैं, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है R, मतलब ये आपका एरोमेटिक हो सकता है और ये CH3 वगैरह हो सकते हैं, CH3 C2H5 लाइक दैट, ओके। तो इतना हो गया, सेम रिएक्शन है, बट इसमें क्या है, RX ले लेते हैं, प्रोडक्ट इसमें बाई एराइल ना बन के थोड़ा एरोमेटिक रिंग से मिथाइल भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो ये हमने आज कवर कर लिया कुछ जनरल JOC का पार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आगे जितना बढ़ोगे केमिस्ट्री में
उतना ही ये सब चीज़ें क्लियर होंगी तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज तो इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे कल या 2-3 दिन में, ठीक है। तो आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और आपके पास जब आप सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिकली जो हम डालेंगे अपना कोई भी वीडियो तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर